बेटी की शादी के लिए विदेश कमाने गए मजदूर का घर आया शव, गांव में छाया मातम। 72 दिनों के बाद विदेश से मृत मजदूर के शव को शनिवार की रात 10 बजे घर लाया जा सका। जैसे ही शव सुरेश के घर पर पहुंचा, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जिसको भी सूचना मिली वो सुरेश के घर की ओर चल पड़ा। रविवार को अंतिम संस्कार सोन नदी के तट पर किया गया। जैसे ही ताबूत में बंद शव घर पहुंचा, पत्नी दुर्गावती व 3 बच्चे दहाड़ मार कर रोने लगे। उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। पूरे गाँव में मातम छा गया। सऊदी अरब में मजदूरी करने गए सुरेश का 22 जनवरी को निधन हो गया। कंपनी ने मेल करके परिजनों को इस बाबत सूचना दी। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। विधवा की पत्नी दुर्गावती, पुत्री काजल, पुत्र विशाल व शिवराज के लिए एकमात्र कमाऊ सदस्य सुरेश ही था। वह परिजनों के भरण पोषण व सयानी बिटिया काजल के हाथ पीले करने के जुगाड़ में कमाने के लिए विदेश गया था। वहाँ से तो कमा कर सुरेश घर आता कि सारे सपने के लिए सदा के लिए सबका साथ ही छोड़ गया। शव मंगवाने के लिए मृतक के भाई ने मुख्यमंत्री के सचिव व मुख्यमंत्री से भी पूरा वाक्या बताकर मदद की गुहार लगाई। वहां से श्रम विभाग के हवाले से सऊदी अरब की सरकार एवं सुरेश के नियोक्ता कंपनी से बात करके पूरे मामले को लाइनअप किया गया। विश्वस्त सूत्रों की माने तो मृतक सुरेश मेहता का शव सऊदी अरब से 30 मार्च को हवाई जहाज से मुंबई लाया गया। मुंबई से दूसरी उड़ान से उसे पटना लाया गया, जबकि पटना से सरकारी एम्बुलेंस के द्वारा शव को मृतक के घर कांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत बलियारी पंचायत के भिलमा गांव तक लाया गया। पटना हवाई अड्डे पर शव को रिसीव करने के लिए घर से भाई व अन्य परिजन गए थे। मृतक के अंतिम संस्कार में जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि दिनेश कुमार, पंचायत मुखिया प्रतिनिधि ललन कुमार मेहता, भाजपा नेता विनोद कुमार प्रसाद सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। आरके सिंह पब्लिक स्कूल मेन रोड कितार, नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूल सीबीएसई और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर विभूति नारायण सिंह उर्फ बिट्टू सिंह।